बच्चों शीट टू देखो आप, क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ गाइस। बच्चों कपलिंग रिएक्शंस में डू यू रियलाइज, मैंने तुम्हें बताया था डायजोनियम है हमारे पास, डायजोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? डायजोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप सो दैट द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अब हाईली एक्टिवेटिंग कौन से इनमें से, वन एंड टू, हाँ या ना बच्चों बोलो? यस और एनएसटू दो तुम्हारे स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है। गैस मैंने स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ही बोला था ना क्वेश्चन, मतलब जो मैं बोल रहा था, यस यस वी नीड स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो कि तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दें ऑन बेंजीन रिंग, तो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन ए, हाँ या ना बोलो गाइस? क्लियर है? बी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई दिक्कत गाइस? नो सर ओके, क्यों? नॉर्मल है ये तुम्हारा, ब्रोमीन वाटर में तुम्हारा एक्सेसिव हो जाता है, ब्रोमीन तीनों जगह लग जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर थ्री में प्रॉड तो तुमसे बन गया होगा, एनिलीन प्लस बेंजल्डिहाइड, क्या देखा बच्चों? ये एनिलीन ठहरा और ये हमारा बेंजल्डिहाइड ठहरा, यहां से ओड आओ वहां से दो एच उड़ाओ, हाँ है ना? यस यू विल हैव पीएच सी एच डबल बॉन्ड एन पीएच, ये है क्या गाइस? बच्चों क्या तुम्हें ये स्किप्स बेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एडली मीन्स यस गुड। क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, सर, मिलन्स बेस क्या? इसको आगे करेंगे बेटा, अभी नहीं कर रहे, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है? तो उसको अभी छोड़ दो, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना वही स्ट्रक्चर है, ठीक है? मतलब दिस इज मिलन स्पेस। एनीवे क्वेश्चन नंबर सर फोर पे वैसे आता, इसका आंसर बी और डी दोनों ही होगा ना? नहीं बेटा स्किप्स रिएजेंट इज डिफरेंट, स्किप्स बेस इज डिफरेंट, स्किप्स बेस की बात कर रहे हैं हम, स्किप्स बेस इज आर योर एल्डिमीन, ठीक है? स्किप्स बेस इज रिएजेंट एल्डिमीन, कौन सा होता हाँ है? रिएजेंट कौन सा होता है? रिएजेंट डिफरेंट है बेटा, स्किप्स रिएजेंट इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर गाइस, काफी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, ये बता रहा होता है कि ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर, ठीक है बेटा? यस सर ठीक। मतलब इट सर्व्स एज अ बेसिकली टेस्ट, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड बच्चों, ठीक है गाइस? फाइन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एनीवे आगे चले, राइट? यस क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ गाइस। बच्चे यहां पे हमें ध्यान से देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 दे रखा है, HNO3 H2SO4 नहीं दे रखा। नाउ कंसंट्रेटेड HNO3, डू यू रियलाइज इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ या ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अच्छा है, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो इट विल ऑक्सीडाइज एनिलीन टू योर बेंजो क्विनोन, हाँ या ना? आंसर क्या आएगा गाइस बताओ मुझे, बोलो गाइस? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, सी बेंजो क्विनोन, ठीक है? आगे चलते हैं, होल्ड ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर फाइव, गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताओ? एक चीज याद रखना, पूरी नो रिएक्शन मत कर देना, अभी पूरी रिएक्शन हुई नहीं है, वैसे तो तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से कोई दिक्कत आई नहीं होगी इसमें, आई थी गाइस बताओ? सिक्स में भी सर नहीं आनी चाहिए वैसे तो, बोलो नो सर बताओ गाइस। पहले होल्ड हमने जो अमाइड था उससे हमने क्या बनाया, अमीन बनाया, फिर अमीन से हमने आइसोनाइट्राइल बनाया और फिर आइसोनाइट्राइल से मिथाइल अमीन बनाया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 डिग्री मिथाइल अमीन बना दिए, बोलो गाइस फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? पहले एनएच टू बना, फिर एनसी बना और फिर एनएचसीएससी बन गया, ओके गाइस? वी आर डन विद 5 एंड 6 बोथ। 7 पे आते हैं बच्चों, गाइस विच आर ऑर्थो पैरा डायटिंग, यार एनएच टू तुम्हारा ऑर्थो पैरा डायटिंग होता है, हाँ या ना? दैट इज वन। एक और चीज गाइस,
यार ये एन एसिटाइल एनिलीन क्या है? एनिलीन ठहरा हमारा ये और नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगाएगा एसिटाइल? बच्चों डू यू रियलाइज इट इज ऑल्सो ऑर्थो पैराडाइटिंग, हाँ या ना? एंड एक्टिवेटिंग माइल्डली, बोलो गाइस। यस गुड, तो इट इज गोइंग टू बी योर एक्टिवेटिंग गाइस। आगे चले क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ। यार एट तुम्हें पता है हाइड्रोक्लोराइड होगा बेटा, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में डू यू रियलाइज इट इज NH2HCl, तो इट इज नथिंग बट NH3+Cl-, कुछ ऐसी फील आ रही है, नहीं आ रही है? मतलब NH2HCl इज लाइक NH3+, NH3+ इज नॉट योर ऑर्थो पैराडाइट, हाँ या ना? बताओ बेटा। यस ओके, H+ आ गया ना, तो वो तुम्हारा NH3+ बना के छोड़ेगा। ओके क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाओ बच्चों। गैस बताओ एट में कोई दिक्कत? ये तो फैक्ट है, हमें पता है NH2NH3+ बनाया था विच इज मेटा डायरेक्टिंग, हाँ या ना? ओके क्वेश्चन नंबर नाइन में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टेन में आओ बच्चों, रिडक्शन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। गैस जी मैंने तुम्हें अभी बताया था, अगर हम नाइट्रोबेंजीन को एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में ऐसे मान के चलो ZnHCl, FeHCl, SnHCl, क्या बनता है बच्चों? एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हो गया था नहीं हो गया था बच्चों? हो गया था। 12 में दिक्कत आई होगी गैस। 12 में देखो एक दे रखा है हमें, NH2NO2, एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है? बेंजोइक एसिड, ये दे रखा है। और पूछा गया है व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। गाइस ये बेसिक है, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? मतलब वीकली बेसिक है, बट इट इज बेसिक एंड दिस इज एसिडिक, हाँ या ना? yes. मतलब या तो तुम बेस यूज कर लो या एसिड यूज कर लो एज टेस्ट के तौर पे, हाँ या ना? मतलब बेस होगा तो वो इसके आधे ऐड कर जाएगा, एसिड होगा वो इसके आधे ऐड कर जाएगा, हाँ या ना? बोलो गाइस क्लियर हो गया? बच्चे बोल ही नहीं रहे। हो गया। 13 गाइस और NH2 को NO2 में लिख रहे हैं। नोप नोप, ऐसे हमने कोई रिएक्शन एज सच, मतलब तुम उसके हिसाब से जा रहे हो कि नॉर्मल टेंडेंसी के हिसाब से कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है, हाँ है ना? यस यार, ये ऐसी रिएक्शन हमने कोई करी तो है नहीं, तो उसे छोड़ दो, डोंट कंसीडर दैट, ठीक है? सर अब Br2CCl4 भी नहीं करेगा ना? Br2CCl4 क्या तो करोगे ही क्या? ठीक है 13 पे आ जाओ गाइस, बेंजाइल अमीन पे ध्यान दो। बेंजाइल अमीन इज CH2NH2, दिस इज योर बेंजाइल अमीन। अब मेरे ख्याल से रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ है ना बच्चों? कंक्लूड करने में कि क्या बनने वाला है, बोलो गाइस। नहीं है कोई दिक्कत, आई एम श्योर ऑफ इट। 14 पे आते हैं गाइस, 14 में चाहो वाई से जेड याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, कौन सा होता था? बेंजीन, वेरी नाइस। 15 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, करवा ही रखे रिएक्शन। 16 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, बताओ। हमें बेसिकली 3 डिग्री अमाइड लेना पड़ेगा, हाँ है ना? बोलो गाइस। यस ओके गुड। 17 पे आ जाते हैं, 17 में समस्या है। समस्या सिंपल सी है, अगर ये कह पूछा गया है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, व्हाट वी दे शुड बी आस्किंग इज व्हिच हैज अ कायरल सेंटर, जो अल्कोहल बन रहा है उसमें से किस किस में कायरल सेंटर पॉसिबल है? ऑप्टिकली एक्टिव तो बनेगी नहीं ना गाइस, क्योंकि तुम्हारा रिस्मराइजेशन हो जाएगा, हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है? yes. या तो ये बोल दो इन विच यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव
एल्कोहल्स, मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल्स, मतलब आइडिया इज द पॉइंट इज कि तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, हाँ है ना। एनीवे अगर तुम वैसे रिएक्शन करके देखते हो, यहां पे एक चीज का ध्यान देना कि तुम्हारा रीअरेंजमेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, मैंने बताया था रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। अगर तुम इसमें करोगे तो पहले कार्बोकैटायन यहां बनेगा, फिर शिफ्ट यहां पे करेगा और फिर तुम्हारा यहां पे OH बन जाएगा, हाँ या ना। क्लियर और नॉट गाइस? तो बनेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें तो बनना ही बनना है विदाउट रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे अस्टेबल है, हाँ है ना बच्चों। यहां पे भी तुम्हारे पास काल सेंटर उठ के आ रहा है और सी और डी तो तुम्हारा रिएक्शन में अल्कोहल बनाएंगी नहीं, एक 2 डिग्री बैठा एक 3 डिग्री बैठा, हाँ या ना, बोलो गाइस। गुड, तो वो तो रिएक्शन ही शो करेंगे जो हमें चाहिए अल्कोहल बनाने वाले। 18 में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, बताओ किसी को दिक्कत आई थी 18 में? डाउट इज द डाउट है। ओके क्वेश्चन नंबर 18, होल्ड ऑन 18 गाइस, देखो पूछा गया विचार करेक्ट, एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, हाँ होंगे नहीं होंगे गाइस, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो उनकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी। अमोनिया तो सबसे कम होता है, तुम्हें जैसे मिथाइल ग्रुप लोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑल आर मोर बेसिक देन NaCl, हाँ है ना। अब तुम्हारा पूछा गया विच इज मोर एसिडिक, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट हमें पूछा गया विच इज मोर एसिडिक, NH4 प्लस या CH3NH+। अब हमें पूछे कहा गया है विच शुड बी मोर एसिडिक, NH4 प्लस शुड बी मोर एसिडिक, दैट इज व्हाट दे हैव रिटन इन द स्टेटमेंट। PK इज हायर, मतलब इट इज दैट Me थ्राइस NH+ दैट इज लेस एसिडिक देन NH4+, ये उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है एंड दे आर आस्किंग वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है तो उसकी वजह से उससे एच निकलना मुश्किल हो जाएगा ना बच्चों, हाँ है ना, बोलो गाइस। ऐसे देखो एन एम ई एम ई एम ई एच प्लस, ये मिथाइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो यहां से एच निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू एन एच फोर प्लस, हाँ या ना। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस, और स्टेटमेंट हमें यही लिखी हुई है, मतलब अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड मतलब इसका पीके वैल्यू इज लेस, हाँ या ना, क्लियर और नॉट गाइस। नेक्स्ट, अमोनियम इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल। पीकेबी ऑफ CH3NH2 इज हायर देन दैट ऑफ NaCl, पीकेबी मतलब एक तरीके इट शुड बी अ वीकर बेस देन NaCl, यार वीकर थोड़ी ना होता है, तो दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते गाइस, 19 में HNO2 गाइस, ये तुम समझ सकते हो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रीअरेंजमेंट कोई होगा नहीं क्योंकि कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल बैठा है और NH2 हट के OH बन जाना है, तो यू विल गेट सी एज द आंसर, हाँ या ना, क्लियर है गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 20 में कितने बच्चों को दिक्कत है बोलो, दिक्कत आई थी? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, तुमने एक रिएक्शन नहीं करी हुई जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आए। पहला तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड एन OH, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है यहां तक, बोलो गाइस। अब पूछा गया है इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनता है, गाइस ध्यान से देखो, हाइड्रोक्सिल अमीन का जब तुम रिडक्शन करते हो, सॉरी हाइड्रोक्सिल अमीन नहीं इमीन, तो हम क्या कहेंगे गाइस, ये पूरा रिड्यूस होता है, पहले ऐसे माने कि चलो ये OH हट के एच लगा और फिर तुम्हारा ये भी रिड्यूस होगी, ये बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, दिस इज अ रिएक्शन दैट यू बेसिकली हैव नॉट कवर्ड, समझे नहीं समझे गाइस, ये बनेगा तुम्हारा, यही तो है आइसोप्रोपाइल अमीन,
गैस क्लियर हुई है चीज या नहीं हुई ये बताओ मुझे फटाफट बताओ। यस ठीक है। अब बी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सी डबल बॉन्ड एन एच बना और फिर सी डबल बॉन्ड एन, मतलब मैं इसको लिख देता हूं, लेट मी राइट दिस डाउन। तुम्हारा पहले बनेगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड एन एच और उसके बाद ये रिड्यूस होगी सी एच टू एन एच टू बना देगा। हाँ है ना। यस राइट। सी में देखो गाइस एन ने ईडीओएस दे रखा है। गाइस अब ध्यान से देखो इसमें तुम्हारा एन एच सी एस वो बनेगा ना गाइस, इसको मैं लिख देता हूं ये देखो सर एन मिथाइल हो जाएगा। हाँ करेक्ट एन मिथाइल आ जाएगा। देयर इज अ होल पॉइंट यू विल नॉट गेट आइसोप्रोपाइलामीन, यू विल गेट एन मिथाइल आइसोप्रोपाइलामीन। एनीवे डी गाइस हाइड्रोलिसिस पे बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों, एक एच सी ओ एच बनेगा और एक तुम्हारा सी एस सी ट्वाइस सी एच एन एस टू बनेगा। हाँ या ना। तो डी भी दे देगा रिएक्शन। गुड गुड ओके। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। हमें दे रखा है एजीसीएन से पहले एनसी बनाया, एनसी का रिडक्शन करा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी बच्चों बोलो। नो नो 22 में कोई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वाई से जेड तुम्हें याद होना चाहिए कि बेंजीन बना रहा मतलब एनओ टू हटा के एच लगा रहा होता है। हाँ है ना। सॉरी एन टू सी एल हटा के एच लगा रहा होता है। हाँ है ना बच्चों। क्लियर है गाइस। वाई से लेके जेड में तुम्हारा पहले एन एस टू है, तीन ब्रोमीन लग गए, फिर एन एस टू का एन टू सी एल बना और फिर एन टू सी एल सारा हटके हाइड्रोजन लग गया। हाँ या ना बच्चों बोलो गाइस। बच्चे बोल ही नहीं रहे। ओके 23 पे आते हैं सर। आंसर क्या होगा सॉरी बेटा, जब तुम्हारा एन टू सी एल हटके हाइड्रोजन लग गया तो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सर ठीक है सर। क्लियर हो गया यहां तक? यस ओके। नेक्स्ट पे आते गए यार। ए रिएक्शन तो मैं पता है सही है, बी पता है सही है, सी डेफिनेटली पता है गलत है। हाँ या ना बोलो गाइस। डी में समस्या आ सकती है क्योंकि डी तुमने नहीं करा, नहीं कराए तो अब इसको समझ लो गाइस ये क्या करने वाला है। ये तुम्हारी रिएक्शन सही है, दिस रिएक्शन इज करेक्ट। ध्यान से देखो बच्चों, हम कहेंगे एन डबल बॉन्ड एन प्लस था। हाँ है ना बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस। SnCl2 HCl क्या कर रहा होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब H माइनस H प्लस। हाँ है ना बोलो गाइस। तो यहाँ पे एक काम करो H माइनस भेज दो, तो ये बनेगा और या नहीं बनेगा बच्चों? फिर रिडक्शन करो H माइनस H प्लस भेजोगे, एक H इधर लग गया एक H इधर लग गया, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट फिनाइल हाइड्राजीन। हाँ या ना। रिडक्शन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा फिनाइल हाइड्राजीन बच्चों। बोलो गाइस क्लियर हो गई ये चीज? मतलब दिस रिएक्शन इज ट्रू। अब पूछा गया कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर। हम देखेंगे यहां पे डायजोनियम, मतलब कपलिंग रिएक्शन में डायजोनियम आयन अटैक करेगा इस कंपाउंड पे, मतलब इस कंपाउंड में जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग नेचर होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगी। हाँ है ना yes. बोलो गाइस। तो वन की सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग होगी, ये मत कहना वन और थ्री में थ्री ज्यादा होना चाहिए, वन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ या ना। इट विल बी वन देन थ्री देन टू देन फोर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि फोर में तो सारी yes. जगह पॉजिटिव फेंक दिया। ओके 25 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों हमें कह रखा है रिडक्शन करने पे कुछ बना और जो बना दैट मस्ट बी अ वन डिग्री अमीन। हाँ है ना बोलो गाइस। वन डिग्री अमीन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बच्चों? बच्चे बोलेंगे यस। सॉरी वन डिग्री क्या कह रहा हूं मैं, हाँ मतलब वन डिग्री अमीन रहा होना चाहिए। प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो तुम्हारा नाइट्राइल बनेगा। हाँ है ना बच्चों। आइसो नाइट्राइल बताओ गाइस। ये देखो हमें ये दे रखा है फाइनल प्रोड एन एच सी एस सी, ये दे रखा है एन मिथाइल एन। हम कहेंगे जो हमारा सी एच सी एल थ्री क्यू एच से बना, ये तो रिडक्शन पे बन रहा है, इसका मतलब वो ये रहा होगा, इसी के रिडक्शन से तुम्हारा एन एच सी एस सी बनेगा। हाँ है ना बच्चों। और अगर ये हमारा
ऑन कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, इसका मतलब तुम्हारा जो अमीन रहा होगा वो तुम्हारा एनिलीन रहा होगा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? ये हमने कौन सी रिएक्शन कर दी? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। गाइस फील आई नहीं आई? ये शुड आई वेट? हाँ, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गई। अब कह रखा है ये बन रहा है ऑन रिडक्शन, तो गाइस हमारा क्या रहा होगा? व्हाट मस्ट हैव बीन द रिएक्शन? नाइट्रो ग्रुप। हाँ या ना? मतलब यहाँ पे रिडक्शन करने पे अगर ये बन रहा है, इसका मतलब है अवर ओरिजिनल कंपाउंड मस्ट हैव बीन नाइट्रोबेन। बोलो गाइस, फील आई नहीं आई बच्चों? बताओ, क्लियर हो गया? यस सर। 26 एन मिथाइल एनिलीन। हाँ तो नहीं, ये था ना, मैंने ये इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन, मैंने वो दे रखा है। व्हिच विल बी NHCS। ठीक है यहां तक? यस। ओके, व्हिच इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। यार हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इट इज डी। गुड, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल से हमें क्या बनाना है? पैरा नाइट्रोफिनॉल से हमें बनाना है OH है, यहां पे NO2 है, और हमें बनाना है हाइड्रोक्विनोल या हाइड्रोक्विनोन। दिस इज इट। गाइस तुम समझ सकते हो, पहले NO2 को NH2 बनाएंगे, रिडक्शन करेंगे, फिर उसका डायजोटाइजेशन करेंगे, N2Cl बनाएंगे, और फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, वाटर डाल देते हैं, तो हमारा N2Cl सब हटके तुम्हारा OH लग जाएगा। हाँ है ना? बोलो गाइस। गुड, 28 में हिंसबर्ग की फील आ रही है गाइस? यस। गुड, 29 पे आते हैं, हमें कह रखा है ब्रिलियंट कलर डाई ऑन ट्रीटमेंट विद दिस। गाइस तुम्हारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन कर रहे होते हैं। हाँ है ना बच्चों? ऑप्शन में एक ही, ऑप्शन सी, और कोई है ही नहीं ऐसा। हाँ या ना? 28 का आंसर KCD होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल? बेटा सॉल्युबल तो तुम्हारा सिर्फ यही होगा, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए हमें। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है, तुम्हें एक चीज समझो कि जो तुम्हारा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो कंपाउंड है, दैट शुड बी वेरी मच स्टेबलाइज्ड, मतलब इट शुड बी, तो तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी ए ओनली। ठीक है? यस सर। ओके, 29 हमें क्या रखा है? बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन करने पे किससे तुम्हारा डाई बन रहा है? यू नीड 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, जो कि तुम्हारा ऑप्शन सी ही है। डी इज योर एलिफेटिक अमीन। हाँ है ना? जो कि तुम्हारा एल्कोहल बना रहा होता है नॉर्मली। गाइस NaNO2HCl में अल्कोहल बना रहा होता है, बीटा नेफ्थॉल का तो रिएक्शन ही नहीं होनी। यस, सो यू नीड एरोमेटिक अमीन एंड दैट टू 1 डिग्री, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं गाइस। 30 में कोई दिक्कत गाइस? बोलो, होनी तो नहीं चाहिए। बेटा एक हमें स्टेटमेंट दे रखी है, वी जस्ट हैव टू सी वो स्टेटमेंट कब ट्रू होगी। हमें कह रखा है एनिलीन डज नॉट गिव कपलिंग रिएक्शन। यार ये हो सकता है कि NH2 जो है वो NH3+ बना रहा हो, जिसकी वजह से रिंग पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही नहीं हुआ। हाँ या ना? बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस। गुड, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं गाइस, सॉरी 31 पे। हमें दे रखा है COCl2 पायरिडीन। गाइस पहला स्टेप हो गया होगा, पहला स्टेप इन द सेंस एक ऐसा प्रोड बना होगा तुम्हारा जो कि इनमें से कहीं मैच ही नहीं कर रहा। हाँ है ना? ये बन गया, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर गाइस? यस। ये तो समझ आ गया, HCl बाहर फेंक दिया हमने। अब पायरिडीन इज अ बेस। हाँ है ना बच्चों? बेस है तो वो बंदा हाइड्रोजन लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? एन माइनस बनेगा तो अंदर बॉन्ड मारेगा, सीएल बाहर फेंक देगा। तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? ये बनेगा। समझे या नहीं समझे गाइस? यस सर। 32 में कोई दिक्कत? पहले COH बनाया, फिर COCl बनाया, फिर CONC बनाया, फिर Schmidt रिएक्शन दे मारी।
बोलो गाइस। यस ओके, थर्ड सी पे आते हैं। आइसोप्रोपाइलामीन विद एक्सेस ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा जी देखते हैं, हमें दे रखा है आइसोप्रोपाइलामीन। प्लस एसिटाइल क्लोराइड का एक्सेस, एक्सेस का मतलब कम से कम दो क्या तो रिएक्शन करानी है। ये हमने बाहर फेंका, बना हमारा ये। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं। किस चीज की फील आ रही है इसको बताएगा मुझे? यहां से सीएल, यहां से चुड़ा दें एक और। बोलो गाइस, तुम्हारा ये बना देगा। हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? हो गया होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ गाइस। सर आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। बी देखो ना, बिल्कुल वही है जो बनाया है। ठीक है सर। 34 गाइस, पहले हमारा एसिडोफिनोन बन गया, फिर हमारा रिडक्शन कर दिया गाइस। अभी हमने रिडक्शन देखी थी नहीं देखी थी गाइस, ये बता दो मुझे। इसका रिडक्शन कर रहे होते हो तो क्या बनता है बच्चों? CH2NH2 बनेगा नहीं बनेगा गाइस? अभी हमने किया था राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस, फटाफट बताओ मुझे। यहां पे हमारा CHNH2 बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों? यस गुड, दिस इज अ प्रॉड दैट यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? बोलो गाइस फटाफट। मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए, नॉर्मल है ये, हमने करा हुआ है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे बच्चों। पहले हमने कुछ बना दिया CH2CHO बना दिया, उसके बाद CHCNH2 दे मारा, करते हैं रिएक्शन करते हैं। वैसे दिक्कत आई नहीं होगी गाइस, CHO लिया, सॉरी CH2CHO प्लस CHCNH2 लिया, पहले तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों? एल्डिमीन बनेगा। सेकंड वाला था ये, कौन सी रिएक्शन? सेकंड वाली कौन सी? सर H2O2 एनिमेशन। बड़े ये पूरा तुम्हारा एक है, दिस इज योर दैट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बेटा। सर पहचान ही नहीं पा। ठीक है समझ गए? यस। और एक चीज और, ये जो हमारा बनता है इसको हम कई बार कर चुके हैं, आई जस्ट फॉरगॉट टू नेम इट। ये ऑक्साइम है। ठीक है बेटा, दिस इज योर ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करने पे यू गेट ऑक्साइम। ओके गाइस, ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, नाम याद रख लो बच्चों। ठीक है गाइस, तो तुम्हारा ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? PH CH2 CH डबल बॉन्ड NCH3, उसके बाद रिडक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2NH। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? बन जाएगा ना प्रोडक्ट? यस बोलो। ओके, 36 में तुम्हें पता है गाइस इनेमाइन बनता है। हाँ है ना? 36 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी गाइस, बोलो आई कोई दिक्कत? नहीं आई तो बोल दो बच्चों। 37 पे आते हैं गाइस। पहले देखो CH2OH2, ये किसी को रिएक्शन याद आ रही है नहीं याद आ रही बच्चों? ये कौन सी रिएक्शन थी सर? वो एसिटल। करेक्ट, एसिटल फॉर्मेशन हो गया, तो सी डबल बॉन्ड प्रोटेक्टेड बैठा है। LiLH4 से रिडक्शन हो गया, CH2NH2 बना। हाँ या ना?
गाइस जस्ट अ सेक। हाँ बच्चों, मैं कहाँ पे था? मैं क्या बता था? हाँ, तुम्हारा पहले तो सीओ प्रोटेक्ट हो गया, जो तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो गया। उसके बाद सीएन का CH2NH2 बन गया। उसके बाद हमने H+H2O डाला, तो तुम्हें एक ही फील आ गई होगी, हाँ है ना बच्चों? वहां पे तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन रीजेनरेट हो गया। इतना समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? आइडिया इज ए से क्या हम बी पे जाए या ना जाए? तो गाइस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये रिएक्शन हो जाती है, हाँ है ना? नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन गए, वहां से हो गया एंड यू विल गेट बी। ए से बेसिकली बी बन रहा है। इतना समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? यस, गुड, दैट्स नाइस। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलें। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। गाइस मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें याद है हीट करने पे देयर इज अ वेरी हाई चांस कि तुम्हारा एल्कीन बन जाए? बताओ गाइस, फील आ रही है? नहीं आ रही है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। अगर तुम एनएससी का हीट कर रहे हो तो डू यू रियलाइज यू विल गेट एलिमिनेशन एज अ प्रोडक्ट, नॉट द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट? बोलो। गुड, तो तुम्हारा ए इज करेक्ट, ए की फील सही है, करेक्ट है। बी की सही है ना, उसमें तुमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन नहीं होता 3 डिग्री में, एलिमिनेशन होता है। ठीक है गाइस, हीट के साथ 3 डिग्री में एल्कीन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दैट एल्कीन इज प्रीटी स्टेबल। तो तुम रियलाइज कर रहे हो कि सी भी तुम्हारा करेक्ट है, हाँ है ना? इफ बी इज इनकरेक्ट देन सी इज करेक्ट, और डी में तुम्हें पता है रीअरेंजमेंट हो रहा होता है, तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। ए सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, 39 पे आ जाए। गाइस क्वेश्चन नंबर 39 में अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ सकती है तो सिर्फ एक ही जगह आ सकती है कि तुमने ध्यान से कंपाउंड्स नहीं लिखे। इथाइल साइनाइड का मतलब होता है CH3CH2CN, और इथाइल अमीन क्या होता है? इथाइल अमीन इज CH3CN, इथाइल अमीन ना, सॉरी CH3CH2NH2, माय मिस्टेक। क्लियर और नॉट गाइस, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? दिस इज योर इथाइल साइनाइड एंड दिस इज योर इथाइल अमीन। क्लियर और नॉट गाइस, समझे या नहीं समझे बच्चों? तो डू यू रियलाइज एक कार्बन कम बन रहा है, 1 कार्बन लेस, हाँ या ना? तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील किसकी आ रही होती है? हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, हाँ या ना? बोलो गाइस। गुड, तो स्टार्ट करें। देखो गाइस, पहली ऑप्शन को देखो, हमें कह रखा है SNHCl। यार तुम्हारा SNHCl करेगा वो तो CH2 मतलब नहीं करेगा ना गाइस? बताओ बच्चों। नो। गुड, नेक्स्ट आते हैं बी पे। हमें दे रखा है हमारा SCO प्लस किया तो COH बना, NH3 करा। यार ये KBr3 ना समझ में आया होगा, हाँ है ना बच्चों? मेरे ख्याल से एक बच्चे ने पूछा भी था कि KBr3 नहीं समझ में आ रहा। गाइस एक चीज देखो, जिसने पी ब्लॉक पढ़ा है वो जरूर रिलेट कर जाएगा, NaOH प्लस Cl2 क्या रिएक्शन दे रहा होता है। यहां पे मैं कोल्ड डाइल्यूट की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक में पढ़ा है तुमने ये रिएक्शन, NaCl प्लस NaOCl, ये कितनों को याद है? किसी को भी याद नहीं है? याद? हॉट कंसंट्रेटेड क्या कर रहा होता था? NaCl प्लस NaClO3। कुछ फील आ रही है? नहीं आ रही है बच्चों? ClO3 माइनस आयन दे रहा होता था। आइडिया इज Na जाए बाहर में, आयन पे ध्यान दो। यहां पे Cl माइनस प्लस ClO माइनस था, यहां पे Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस है। समझ में आया? नहीं आया बच्चों? तो डू यू रियलाइज यहां पे हमें क्या दे रखा है? वी आर गिवन KBr3 विच कैन बी रिटन एज Br2NaOH हॉट कंसंट्रेटेड, हाँ है ना? इट कैन बी रिटन एज Br2KOH। लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? फील आई नहीं आई? बोलो गाइस, तो तुम्हारा ये हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड देगा नहीं देगा? बच्चे बोल ही नहीं रहे।
समझ गए? तो तुम्हारा बी विल गिव योर आंसर. सिमिलरली डी विल गिव योर आंसर. पहले तुमने सी एन का सीओ एन एस टू बनाया और फिर तुमने उसमें डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड दे मारा. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? गुड. क्वेश्चन नंबर 40 विच सीम्स करेक्ट. ये जो सीम्स करेक्ट है ना बिल्कुल वैसा ही है तुम्हारा जैसा अभी हमने क्वेश्चन अभी किया था. 40 देखो यार पहले वाले में तो तुम्हारा एल्कीन बनना चाहिए. हाँ या ना? बोलो गाइस. 3 डिग्री है. 3 डिग्री में फेवर्ड क्या होता है? एल्कीन. तो तुम्हारा कौन सा करेक्ट लग रहा है? बी करेक्ट लग रहा है. नहीं लग रहा है बच्चों? सी पे आ जाओ. अगेन सी इज ऑल्सो करेक्ट. डी इज करेक्ट क्योंकि वो 1 डिग्री है. समझे नहीं समझे गाइस? अगर तुम 1 डिग्री लेते हो मतलब इसमें SN2 रिएक्शन होगी बाकी में E2 हो गया. फिलहाल नहीं आई गाइस. यस राइट. क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं. हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग गैबियर. गाइस तुम्हारा 1A हो जाएगा मतलब बी भी हो जाएगा डी भी हो जाएगा सी नहीं होगा क्योंकि यार आर एक्स आ गया. हम RNH2 बना रहे हैं. हाँ या ना बच्चों? ये यहाँ पे जो आर एक्स बॉन्ड है ना उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा और तुम ध्यान से देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यस. तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण तुम्हारा सी एक्स बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा सी ऑप्शन में. क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं गाइस. 42 में मेरे ख्याल से एक तो कार्बन एटम सी गड़बड़ है ऑप्शन में. मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैं वैसे बताया था पहले तुमने CH2OH का COH बनाया फिर उसका COCl बनाया फिर CH2NH इसके 2 मोल मिला लो एक ही मोल लो एक ही मोल का रिएक्शन हो सकती है. यू विल गेट 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. हाँ या ना? और जब उसमें LiLH4 डालोगे तो यू विल गेट 3 डिग्री अमीन. हाँ या ना? बोलो गाइस. यार ज्यादा जल्दी चला गया मैं. बोलो बच्चों. आ गया सर समझ. ओके 43 गाइस इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पहले हमने अमोनोलिसिस कर दिया सॉरी एक्सेसिव मिथाइलेशन कर दिया और उसके बाद हमने हॉफमैन एलिमिनेशन कर दिया. हाँ है ना? पहले हमने एक्सेसिव मिथाइलेशन एंड देन एलिमिनेशन और उससे तुम्हारा हॉफमैन प्रोड एज अ मेजर प्रोड बनेगा विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. हाँ है ना? यस. ओके 44 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस. सी सी का डबल बॉन्ड चाहिए मतलब हमें क्या चाहिए गाइस? इनेमाइन चाहिए. हाँ है ना? इनेमाइन का बनता है 2 डिग्री अमीन के साथ बन रहा होता है. कोई दिक्कत बच्चों? 45 तुम्हारा फैक्ट टू लर्न. 44 के आंसर क्या क्या होंगे? बी और सी बेटा दोनों 2 डिग्री अमीन है ना बेटा. 2 डिग्री अमीन विद एल्डिहाइड और कीटोन विल गिव इनेमाइन. हाँ है ना? यस. ओके 45 में कोई दिक्कत गाइस? बोलो. फैक्ट टू लर्न था 46 यार गैस फेज हो या तुम्हारा नॉन पोलर मीडियम हो दोनों में बेसिसिटी ऑर्डर सिंपल चल रहा होता है 3 > 2 > 1. हाँ या ना? बोलो गाइस. मतलब वहां पे वी डोंट कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ योर कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जैसे तुम्हारा RNH3 उसका RNH3+ वी डोंट लुक एट द सॉल्वेशन ऑफ द आयन फॉर्म. समझे नहीं समझे गाइस? नॉर्मल जो इंडक्टिव फैक्ट के हिसाब से बेसिक नेचर है उसको कंसिडर कर रहे होते हैं विच इज गोइंग टू बी 4 > 3 > 2 > 1 इंडक्टिव के हिसाब से सोच रहे हैं. समझे नहीं समझे गाइस? यस. वो हम गैस फेज में भी देख रहे होते हैं और वो हम नॉन पोलर मीडियम जैसे तुम्हारा बेंजीन अगर है जो कि क्वेश्चन में दे रखा था उसमें भी हम नॉर्मल ऑर्डर कंसिडर करेंगे. 47 में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी गाइस. बोलो. ऐसे ही 48 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. वोलेटाइल वो होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट. हमें पता है इंटरमोलिकुलर तुम्हारे 3 डिग्री में वीकेस्ट होंगे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. 49 मोस्ट बेसिक गाइस. 49 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 गाइस बेंजाइल अमीन दे रखा है हमें. एनिलीन दे रखा है. एनिलीन इज गोइंग टू बी प्रीटी वीक. हाँ है ना? यस. वैसे हमें पूछा गया मोस्ट बेसिक. चलो एक और बात है
पिपरिडीन और आ गया पायरिडीन। मुझे बताओ बच्चों, नॉट गोइंग एज पर द क्वेश्चन, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कौन सबसे ज्यादा होगा कौन सबसे कम होगा। हेलो ऑर्डर, थ्री सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इंडक्टिव से डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सर वन, नेक्स्ट सर फोर टू, वेरी गुड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, इसमें इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, इसमें ये बंदा इंडक्टिव से पुल कर रहा है, इसमें ये तुम्हारा डायरेक्टली कनेक्टेड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ज्यादा पुल कर रहा है और ये दो रेजोनेंस के कारण बिल्कुल उड़ गया। समझेंगे समझे गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 में समथिंग जो कि मैंने तुम्हें बहुत पहले करवाई थी और हो सकता है जब मैं रिवीजन करवा रहा था तब मैंने ध्यान भी ना दिया हो करवाते हुए, समथिंग इंपॉर्टेंट गाइस। देखो हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारा ए पहले पायरिडीन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पिपरिडीन में नहीं आई होगी, पायरोल तुमने ऑप्शन देख के समझ गए होगी कि हाँ क्यों गड़बड़ हो रही है। पायरोल देखो गाइस, NH ये है गाइस। नॉर्मली इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या आनी चाहिए, sp3 एक लोन पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड, हाँ है ना बच्चों। yes. लेकिन हम कह रहे हैं इसका जो लोन पेयर है ना वो डीलोकलाइज्ड है क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। तो आइडिया क्या है, जब डीलोकलाइज्ड है तो हम उसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp2 दोनों हो सकती है तो वी कंसिडर sp2। समझे नहीं समझे गाइस, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है हम उसको पिक कर लेते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में sp3 है। अगर तुम एक और स्ट्रक्चर लेते हो इसका जिसमें कुछ इस टाइप का ले लो तुम से, ये ले लोगे तो तुम रियलाइज करोगे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आने वाली है, हाँ या ना। तो हम क्या कहेंगे, sp2 इज अ हाइब्रिडाइजेशन नॉट sp3, क्लियर और नॉट। मतलब अगर तुम्हारे पास s कैरेक्टर मतलब दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है तो पिक द वन जिसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस? गुड, दैट्स नाइस, वी आर डन विद दिस शीट टू। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों।